आज आपके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरकार के पूरे पुलिसिया ताकत से उनको दमन किया जा रहा है। राहुल गांधी खामोश है, सोनिया गांधी खामोश है, ममता जी का मैंने बताया था, वामपंथी खामोश है, महान विभूति अरविंद केजरीवाल खामोश है। तो ये है इनके दोहरे मानदंड, द शियर हिपोक्रेसी एंड अटर डबल स्टैंडर्ड ऑफ दीज अपोजिशन पार्टीज इज सेल्फ एविडेंट। ये क्या नारी की बात करेंगे, और हमें गर्व है कि हमारी सरकार जब बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, नारी सम्मान की बात करती है, तो करके दिखाते हैं। लेकिन इनकी करने की बात तो दूर, एक टिप्पणी भी नहीं है कि हम संदेश खाली में जो हो रहा है उसे हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की। हमें लज्जा हो रही है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की। तो इसे क्या कहा जाए, बीजेपी सारे बिखरते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं से एक सवाल करना चाहती है, आप क्यों खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? क्या देश की संदेश खाली की बहनों माताओं की इज्जत का कोई आपके लिए पैमाना नहीं है क्या? ये उठाना चाहेंगे। वैसे मित्रों मैं एक बात आपसे और कहूंगा, ये वोट के लिए लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। याद होगा ना, तीन तलाक पर भी खामोश थे लोग, सबों ने मिलकर विरोध किया था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर मैंने ही उस समय कानून मंत्री के रूप में इस बिल को लाया था, ये सभी खामोश थे। क्या सोनिया गांधी, क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या उनकी सारी महिला नेत्रियां सब, और आज भी वही हाल है। तो क्या मतलब है इसका? तो अगर वोट का सवाल आएगा तो महिला की इज्जत भी तिलांजलि दे दी जाएगी, चाहे वो तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दी जाए या संदेश खाली में अपनी इज्जत आबरू लुटने पर भी चुप रहेंगे। इससे बड़े शर्म की बात कुछ हो सकती है क्या?